लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैक्सवेल फर्स्ट थर्मोडाइनेमिकल रिलेशन को फाइंड आउट किया था जो कि हमने इस वैल्यू के अंदर एस की वैल्यू को एस रखा एक्स रखा एस एस इज इक्वल टू एक्स रखा था एंड वी इज इक्वल टू वाई रखा था है ना और मैंने कहा था कि ये जो चार थर्मोडाइनेमिकल रिलेशन वेरिएबल्स हैं हम इनको एक्स वाई बारी बारी से पुट करेंगे और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडाइनमिकल रिलेशन आ जाएंगे तो अभी हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू टी एंड y इज इक्वल टू वी ठीक है जब इसे इस इक्वेशन में पुट किया जाएगा तो यहाँ से एक चीज़ देखो तुम लोग करली टी अपॉन करली x मेरा इक्वल होगा वन के कर्ल v अपॉन कर्ल y इक्वल होगा वन के करल t अपॉन कर्ल y इक्वल, इक्वल होगा जीरो के एंड कर्ल v अपॉन कर्ल x इक्वल होगा जीरो के ठीक है क्यों देखो t इज इक्वल टू एक्स है ना तो x का y के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो सिमिलरली y इज इक्वल टू वी है ना तो y का विद रिस्पेक्ट टू तो x डेरिवेटिव जीरो बट यहाँ पे कर्ल x अपॉन कर्ल x ये तो वन ही हो जाएगा और कर्ल y अपॉन कर्ल y ये भी क्या हो जाएगा वन हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से ये जो वैल्यूज आई हैं हम लोग जब इसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी तो हमें मिलेगा मैक्सवेल थर्मोडाइनमिकल सेकेंड लॉ एंड दैट इज इक्वल टू कर्ल एस अपॉन कर्ल वी टेकिंग टी एज कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू कर पी अपॉन करल टी टेकिंग वी एज कॉन्स्टेंट ओके सिमिलरली ये क्या है जो हम लोगों ने अभी अभी फाइंड किया दिस इज मैक्सवेल थर्मोडाइनेमिकल सेकंड लॉ वट इज सेकेंड लॉ ठीक है फोर फाइंडिंग थर्ड लॉ हम लोग पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू एस एंड वाई इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू एस एंड वाई इज इक्वल टू पी ठीक है तो यहाँ से कर्ल s अपॉन कर्ल x इज इक्वल टू वन कर्ल s अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू जीरो कर्ल p अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू वन एंड कर्ल p अपॉन कर्ल x इज इक्वल टू जीरो बिकॉज x का विद रिस्पेक्ट टू x वन x का विद रिस्पेक्ट टू y जीरो y का विद रिस्पेक्ट टू y वन y का विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो तो जब इसको पुट करेंगे हम लोग उसी सेम इक्वेशन में तो हमारे पास आएगा कर्ल टी अपॉन कर्ल माइनस कर्ल वी अपॉन कर्ल एस इज इक्वल टू जीरो बिकॉज जो राइट हैंड साइड की मेरी टर्म्स हैं वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगी और जो दो टर्म मेरी बचेंगी वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में बचेंगे विद रिस्टेकिंग माइनस साइन तो उसके बाद हम इसे इस साइड ले जाएंगे राइट हैंड साइड एंड वी विल गेट अवर थर्ड थर्मोडाइनेमिकल रिलेशन दिस इज थर्ड थर्मोडाइनेमिकल मैक्सवल रिलेशन ठीक है बेटा अब सिमिलरली फोर्थ थर्मोडाइनेमिकल रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए एक्स को प्रेशर के इक्वल रखना है और वाई को वॉल्यूम के इक्वल रखना है जब इसे ऐसे रखा जाएगा तो हमारे पास चार वेरिएबल्स को जो हम लोग प्रेशर एंड वाई को ही फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम को ही तो करली पी अपॉन कर्ल एक्स हो जाएगा मेरा वन एंड करली पी अपॉन कर्ल वाई हो जाएगा जीरो सिमिलरली करली वी अपॉन कर्ल एक्स हो जाएगा जीरो एंड करली वी इसे जब हम लोग उसी हमारे इक्वेशन में पुट किया जाएगा जहां से हम लोग सारे के सारे वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे हैं इस इक्वेशन में है ना तो हमारे पास मिलेगा सॉरी दिस इज नॉट फोर्थ थर्मोडाइनेमिकल रिलेशन ओके दिस इज फॉर फिफ्थ थर्मोडाइनमिकल रिलेशन एक बार इसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग तो यहाँ से हमारे पास होगा करली टी अपॉन करली वी एंड करली एस अपॉन करली पी इज इक्वल टू करली टी अपॉन करली पी करली एस अपॉन करली वी माइनस वन एक बार देखो तुम लोग यहाँ ये कैसे आया देखो करली टी अपॉन करली पी इक्वल टू हमने क्या लिया था वाई को इक्वल टू वी एंड एक्स को हम लोगों ने लिया था इक्वल टू पी तो यहां से जब हम लोगों ने इस रिलेशंस को ये जो हमारी वैल्यूज आई थी इनको जब यहाँ रखा तो हमारे पास ये तीन टर्म्स आ गई यहाँ ये ये क्या है ये वन बचा है ठीक है तो इसे हम लोग बाकी को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और वन जो हमारा कॉन्स्टेंट टर्म होगी इसे राइट हैंड साइड रखेंगे तो दिस इज़ नोन एज आवर कंप्लीट फिफ्थ थर्मोडाइनमिकल रिलेशन जो कि हमारे देखो फिफ्थ थर्मोडाइनमिकल रिलेशंस अच्छी बात है ऐसे तो हमारे पास टोटल होते हैं सिक्स थर्मोडाइनमिकल रिलेशन ओके बेटा बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें करने हैं चार थर्मोडाइनेमिकल रिलेशन जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं तो जो फोर्थ थर्मोडाइनेमिकल रिलेशन था मैं फाइंड आउट तो वही करवा रही थी बट मैंने थोड़ा सा इन वेरिएबल्स को मिसप्लेस कर दिया इस वजह से फिफ्थ थर्मोडाइनेमिकल रिलेशन आ गया तो वापस से हम लोग बात करेंगे अभी हमारे फोर्थ थर्मोडाइनेमिकल रिलेशन की तो फोर फाइंडिंग फोर्थ थर्मोडाइनेमिकल रिलेशन वी विल सब्सटीट्यूट एक्स इज इक्वल टू टी एंड वाई इज इक्वल टू पी ओके तो कर्ल टी अपॉन कर्ल कर्ल एक्स क्या हो जाएगा वन एंड टी अपॉन कर्ल वाई क्या हो जाएगा जीरो कर्ल पी अपॉन कर्ल वाई हो जाएगा वन एंड कर्ल पी अपॉन कर्ल एक्स हो जाएगा जीरो तो यहाँ से कर्ल एस अपॉन कर्ल पी इज इक्वल टू कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एंड दिस इज़ आवर फोर्थ थर्मोडाइनमिकल रिलेशन आप लोगों को बस यही चार थर्मोडाइनमिकल रिलेशन्स आने चाहिए बिकॉज हमारे आगे जितने भी इक्वेशन्स और जहाँ भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग थर्मोडाइनमिकल रिलेशन को अप्लाई करेंगे हम लोग इन्हीं का यूज़ करेंगे और आपके सिलेबस में यही हैं ठीक है तो चारों के चारों थर्मोडाइनमिकल रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं दैट्स इट आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आज के लिए बस इतना ही थैंक यू